टाइम मैनेजमेंट, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन, ठीक है। अगर ये तुम्हारे पास है तो मुझे नहीं लगता कि आगे चलकर तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी होने जा रही है। बट एक्चुअली में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो टाइम मैनेजमेंट की होती है। टाइम मैनेजमेंट, एक दिन हमें मिलता है 86,000 सेकेंड, ठीक है। अगर सोचो ये सेकेंड ना होकर तुम्हारे पास रुपए होते हैं 86,000, कैसे खर्च करते तुम उसे? ले जाके नाली में डालते क्या करते? सोच के मुझे बताओ, अगर ये 86,000 सेकेंड ना होते, ये रुपए होते तुम्हारी जेब में, तुम क्या करते? क्या करते? जैसे मान लो अभी जेब में हाथ डाला और 86,000 रुपए की गड्डी निकल आई, क्या करोगे? दौड़ते वो ऐसे पागलों की तरह यूरेटर चिल्लाते निकल जाओगे, बीच सड़क पर खड़े जाकर ऐसे उड़ाना शुरू कर दोगे, क्या करोगे? क्या करोगे? पहले दिमाग में प्लानिंग करोगे। अच्छा तुम क्या सोचोगे? मान लो तुम्हारी जिंदगी में भाव मोबाइल नहीं है, तो मोबाइल के लिए भागोगे, क्योंकि तुम्हारे पास बड़ा अच्छा मोबाइल है। लेकिन तुम्हारे पास जो है पिछले कुछ समय से तुम्हारी जीन्स खराब हो गई है, तुम्हें एक नई अच्छी जीन्स चाहिए या जूते तुम्हें अच्छे चाहिए, तो तुम्हारी रिक्वायरमेंट अलग होगी और तुम्हारी रिक्वायरमेंट अलग होगी। तुम क्या करोगे? सोचोगे, विचारोगे ना कि मुझे इस पैसे को कैसे खर्च करना है ताकि मैं इसको ज्यादा से ज्यादा आनंद उठा सकूं, यही तो करोगे, राइट? तो मुझे बताओ, जो तुम्हारे पास 86,000 सेकेंड्स हैं, तुम क्या पूरे दिन में उठ के सोचते हो कि मुझे इसको कैसे इंजॉय करना है, कैसे मुझे इसका जो फायदा उठाना है, और कैसे मुझे ऑप्टिमम, अभी पैसा होता एक एक रुपए पाई पाई का हिसाब रख लेते, एक एक रुपए लास्ट तक निचोड़ लेते कि रात में 10 भी बजा किसी सामने दिलाकर 10 रुपए छुड़वा ले, भैया ऐसे नहीं चलेगा, तो क्या ना 90 से ऊपर हम नहीं देंगे, क्योंकि दिमाग में कैलकुलेशन कर लिया कि 3 सामान लेना है, 10-10 बच गया तो 30 बचेगा, 30 में तो ये वाली आइसक्रीम उठा देंगे आज, बहुत दिन से नहीं खाई होता है। बट हाउ मेनी टाइम आप अपने दिल में आपने ये क्वेश्चन पूछा कि मैं जब मेरा दोस्त मुझसे कह रहा है कि चले बीच में चाय पी के आते हैं, तो मैंने उससे अपना जो है टाइम क्यों नहीं मांगा? हम दुकानदार से 10 रुपए के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन जो मेरा टाइम किल कर रहा है, जो कह रहा है चल यार व्हाट्सएप पे थोड़ी देर चैट करते, तो हमने क्यों नहीं कहा कि यार 10 मिनट मेरा छोड़ दे, थोड़ा 10 सेकंड ये 10 मिनट छोड़ दे, मुझे पढ़ना है, मेरे मकसद से मैं दूर जा रहा हूं। पूछा नहीं, फिर तो इंजॉय कर रहे होते, क्यों? क्योंकि तुम उसका कोई काउंट नहीं, अपने पैसे को तुम काउंट कर सकते हो, अपने समय को काउंट नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू को तुम नहीं समझ पा रहे। तो आपसे एक आदत डाल लेना, कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई संसार में नहीं कि मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं हिमालय पे जाओ और इंसान जानवर सबसे दूर हो जाओ, अगर सबके बीच में हो तो तुम्हें काम करने पड़ेंगे, लेकिन एक वाइज स्टूडेंट वो होता है, बुद्धिमान छात्र वो होता है जो अपने समय को जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करता है। क्या तरीका है? अपने समय को 4 हिस्सों में बांट लो, ठीक है, और भी बताऊंगा कैसे इसको करना है। सिंपली अगर आप लोगों को आदत नहीं है तो आज से आपको 1 महीने तक यह प्रैक्टिस करनी है। 4 हिस्सों में बांट लो, पहला अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, जरूरी भी है और तुरंत करना, ठीक है, देखो आकस्मिक और महत्वपूर्ण, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। अब अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, कोई मान लो बिल चुकाना है, फोन कट जाएगा, फलाना बिजली का बिल है, तो ये अर्जेंट भी और इम्पोर्टेंट, इसको आप टाल नहीं सकते। अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, अर्जेंट है कोई घंटी बजाया जा रहा है, घंटी बजाया जा रहा है, अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। तीसरा, नाइदर अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, ना तो अर्जेंट है ना तो आकस्मिक है और ना महत्वपूर्ण है। जैसे IPL का मैच आ रहा है तो ना तो ये तुम्हारे लिए अर्जेंट है कि नहीं देखोगे तो सांस रुक जाएगी, या उधर जो विराट ऐसे बल्ला लेके ऊपर खेला कि तुम देखो तो बाद में चलाएं, और ना इंपॉर्टेंट है कि जो तुम्हारे जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा, ये तीसरा कंडीशन हो गया। चौथा, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, आकस्मिक तो नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण बहुत। जैसे 2020 में तुम्हें एग्जाम देना है, 21 तारीख को मई को तुम्हारा फ्री का एग्जाम है 2020 वालों का, अभी क्या दिक्कत है यार? अभी कौन लोग, अरे अगले सर 2019 चल रहा है सर, अभी दीपावली थोड़ा इंजॉय कर लेने दो, पटाखे वटाखे चलाएंगे उसके बाद आराम से प्लानिंग करेंगे, अर्जेंट नहीं है। बट तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो एक स्मार्ट स्टूडेंट होता है वो इन चारों कैटेगरी में इसमें सबसे ज्यादा अपना टाइम दे। इट इज नॉट अर्जेंट बट अर्जेंट तो नहीं है लेकिन मुझे उसको कैसे करना है, उसको बहुत महत्वपूर्ण, उसके महत्व को समझते हुए करना है। अब एक सामान्य, ये बात कहने में तो बड़ी आसान लग रही कि 4 कैटेगरी बना लो, अब मैं अपने आप को कैसे ट्रेन करूंगा इसका तरीका बताता हूँ। आप सभी टाइम टेबल तो बनाते होंगे या एक दिन तो फॉलो करते होंगे, मैंने एक बेसिक एग्जांपल दिया है। अब देखो कैसे अपने आप को मेंटेन कर पाओगे और 15 दिन के अंदर तुम पता लगा लोगे कि तुम्हारा टाइम सही काम के लिए जा रहा है या गलत काम के लिए जा रहा है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में ये दोनों चीजें जानना बहुत महत्वपूर्ण है। एक सिंपल सी सारणी बना लो, ठीक है, एक तरफ लिख लो टाइम जो भी 6 बजे उठे हैं, एक एग्जाम्पल ले लिया 7 बजे 8 बजे 9 बजे, एक घंटे का बना लिया, एक डायरी आती है सिंपल सी, उसमें दिन होता है और टाइम दिया होता है, नोटिस किया होगा सिंपल सिंपल।
क्या एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब मान लो सुबह जैसे कोई सुबह उठ के पढ़ना शुरू कर देता, कोई सुबह जिम चला जाता है, कोई सुबह पूजा पाठ करता, सबकी अपनी अपनी एक्टिविटी, ठीक है, या मेडिटेशन करता एक्टिविटी, उसकी कैटेगरी बनाओ श्रेणी, क्या ये अर्जेंट वाली श्रेणी थी या इंपॉर्टेंट वाली श्रेणी थी या नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट वाली श्रेणी थी, उसमें लिखते चले जाओ, ठीक है। मान लो एक घंटे के लिए तुम चले गए पिक्चर देखने के लिए या कोई सीरियल या अच्छे लोग गाने सुन लेते हैं, तो वो क्या था, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। किसी ऐसे काम के लिए जिसको टाला जा सकता कोई और भी कर सकता था, वो तुम करने चले गए, तो ना तो वो अर्जेंट था ना वो इम्पोर्टेंट था। तो ऐसी कंडीशन में आपको कैटेगरी बनाना सीखिए, उन कैटेगरीज में जो तुम्हारी जो चौथी कैटेगरी थी, जो ए कैटेगरी थी, यानी कि नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, उसको हाईलाइट कर लो आज दिन में जितने तुमने काम किया, बस तुम्हें करना नहीं है सिर्फ 15 दिन तक अपने आप को मेजर करके चलो और उसको क्या कर लो, सिंपली हाईलाइट कर लो सिंपली। अब ये देखो कि तुम्हारे दिन का कौन सा हिस्सा मेरा सबसे अच्छा है, और अगर इससे ज्यादा इसके बारे में जानने का मन करे तो एक पैरेटो लॉ आता है, 80-20 रूल, ठीक है, कभी पढ़ने का मन करे तो पैरेटो लॉ के बारे में जरूर पढ़ना। और वो पैरेटो बहुत इटालियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कहा था कि पूरे संसार का 20% लोग जो होते हैं वो संसार की 80% इकोनॉमी जनरेट करते हैं। हमारे दिन भर के, हमारी पूरी जिंदगी के 20 महत्वपूर्ण 20% काम हमारी जिंदगी का 80% तय करते हैं। हमारे एक दिन का 20% हिस्सा हमारे 80% दिन को गवर्न करता है। बोले हर काम की बराबर वैल्यू नहीं हो सकती, तो जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो अपनी कैटेगरी तय करता है, और ये करते हैं लोग। हैबिटुअल आदत, अभी आ रहा हूं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि ये सेमिनार तुम लोगों से निकला है, तुम्हारे प्रश्नों से निकला है, ये मेरा अपना कोई बनाया हुआ सेमिनार नहीं है। वो जो तुम मुझसे आकर इंडिविजुअली बात करते हो उसको मैं डायरी में लिखता हूँ, उस पर चिंतन करता हूँ, उस पर अध्ययन करता हूँ, और तब जाकर जो है मैं उसको लेकर आया हूँ। फॉलो तो करके देख लो, तुम्हें इसके बाद 6 महीने बाद तुम्हें किसी भी किस बात के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, तुम बस सिर्फ समय तक जाओगे हाँ मेरा होगा तो होगा ही। अब जैसे इन्होंने कहा कि हमें पता हो कि ये नुकसान कर रहा है, हम इसको हटाएं कैसे, तो मैं बताता हूँ। एक्चुअली में अवॉइड टाइम किलर, वो जो हमारा समय, जैसे व्हाट्सएप आज की डेट में आधे घंटे बाद अगर व्हाट्सएप ना खोलो तो ऐसा लगता है जैसे सांस आनी थोड़ी सी कम हो रही है धीरे धीरे, एक घंटा होते ही तो बेचैनी आने लगती, पसीना आने लगता है, मोबाइल ना टच करो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल वाइब्रेट ना करे तो लगता है कहीं बंद तो नहीं हो गया, राइट और 20-25 मिनट पढ़ने के बाद उसके जाके देखने वाले मेरा दोस्त क्या कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ज्यादा टाइम किलर। फिर थोड़ी देर पर यूट्यूब पे चले गए, कुछ अपना गाने सुनने लगे रिफ्रेशमेंट के नाम पे, और कौन 5 मिनट के रिफ्रेशमेंट करता है यार, ठीक है। एक बार फोटो लाइक करने इंस्टाग्राम पे गए तो पता चला आधे घंटे तक काम हो गया काम, तो टाइम किलर्स होता है। बहुत बेसिक चीज बताऊंगा टाइम किलर्स की, ठीक है। टाइम किलर्स का बेसिक फंडामेंटल क्या होता है, हमारे जब हम छोटे थे जब हमें किसी काम को करने के लिए मना किया जाता था जो हमारे लिए गलत होता था, तो माँ बाप हमें क्या करते थे, कुछ इंस्ट्रक्शन देते थे या उस चीज को बार कर देते थे। जैसे कई बच्चों की आदत होती थी अंगूठा खींचने की, क्या कहते हैं उनके अंगूठे में कपड़े लपेट देते थे, बोले अब खींचो। क्या होता है कि हमारे दिमाग के अंदर एक न्यूरल सिस्टम होता है जो कि टेम्पटेशन यानी लालच, वो जो हमें आनंद प्रदान कर रहा है उसके लिए प्रति बहुत प्रेरित होता है। तो बहुत फंडामेंटल, वो आनंद किसी भी रूप में किसी भी अवस्था में कई प्रकार के हो सकते हैं। अब वो उस आनंद के लिए हमें स्टिमुलेट करता है कि नहीं, उसको उसके लिए क्या होता है, वो आदत हो जाती है। खासतौर पर वो लोग जो ड्रिंक करते हैं, वो जो स्मोक करते हैं, वो जो ड्रग्स लेते हैं, वो उनका न्यूरल सिस्टम और ज्यादा एडिक्ट हो जाता है। एक पर्टिकुलर साइकिल के बाद अगर उनकी बॉडी को ड्रग्स ना मिले तो पागलों जैसा बिहेव करते हैं। इसलिए जब रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाया जाता है उनको बांध के रखा जाता है, वो जैसे उनको जो है न्यूरल सिस्टम में स्टिमुलेशन होता है, जब ड्रग्स लेने का टाइम आ रहा है वो पागलों की तरह जल्दी तोड़ना शुरू कर देते हैं, ये हालत होती है। तो पता चले ना चले लेकिन उस तरह की एडिक्ट हम भी, एक घंटे बाद तुम्हारा ऑटोमेटिकली हाथ चला जाएगा अपने व्हाट्सएप पे ऑन करने के लिए, होते हैं ला थोड़ा सा ये कर, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके टेम्पटेशन को रोकने के लिए आपके मस्तिष्क की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, और उस प्रतिक्रिया के लिए बहुत बच्चे जैसा सिस्टम बता बोलते हैं कार्डबोर्ड टेक्निक या स्पीकर टेक्निक भी कह सकते हैं। करना कुछ नहीं है, एक 3x5 इंच का इतना बड़ा कार्डबोर्ड बना लो, सिंपल दफ्ती का टुकड़ा सब हो जाए, जहां पर भी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा जो है वो निगेटिव एस्पेक्ट या कुछ भी चीज है, या एक सिंपल सा स्पीकर बना लो, स्पीकर चिपकने वाला होता है। अब जैसे मैंने कहा उजान नो फोन टेल 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर तक तुम्हें फोन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने फोन के साइड में इसको चिपका दिया, स्क्रीन पर चिपका दिया। अब मेरा मन हुआ मुझे क्या हो रहा है, क्योंकि मैं न्यूरल नेटवर्क का शिकार हो चुका हूँ,
मेरे अंदर एक स्टिमुलेशन हो रहा है, फोन उठा के देखे पता नहीं कोई जरूरी कॉल ना आई हो कुछ पर। अब दुकान में दिया था जरूरी कॉल या चलो जरा व्हाट्सएप चेक कर ले, किसी ने कोई क्वेश्चन ना पूछा, दिमाग में चलता रहता। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मैंने आपको बार किया, अरे यार मुझे रिमाइंड हो गया, अरे मैंने तो अपने आप से क्या किया, वादा किया ठीक है मुझे 2 अक्टूबर तक फोन नहीं उठाना। यकीन मानिए आप 60-70% आपको इसमें कामयाबी मिलेगी उसी समय। और ये जो लालच होती है ना, ये शॉर्टर होती है। क्या किया जाता है, जब उस ड्रग एडिक्ट को उतने समय के लिए उस ड्रग से दूर कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, हमेशा भी बांध के रखते, पागल नहीं है वो। या जो शराबी होता है उसको उतने समय के लिए क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। जैसे ही वो साइकिल कंप्लीट होती है उसको फिर वो नॉर्मल होता है। तो हमारे दिमाग में भी स्टिमुलेशन होते हैं, वो जैसे एक पर्टिकुलर साइकिल होती है ना, उसके बाद तुरंत हमें उसकी चाहत पैदा होती है कि हमें मिल जाए। और अगर उस समय अपने आपको, जैसे टीवी रखती है, आपको टीवी देखने की आदत, उसके ऊपर कार्डबोर्ड तक काम दो कि आज शाम तक मुझे टीवी नहीं देखनी। लैपटॉप खोलने की बार बार आदत है, उसके ऊपर चिपका के रख दो या कार्डबोर्ड रख दो, मुझे टीवी नहीं देखनी है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा 100% है, लेकिन 60-70% खासतौर से तब जब आपके माता पिता, आपके बड़े जो है वो आपके साथ नहीं रहते हैं और आपको कोई टोकने वाला नहीं है, उस समय ये टेक्निक, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। और धीरे धीरे क्या होगा, जो तुम्हारा एडिक्ट है कोई भी एक चीज जो तुम्हारा टाइम किल करता हो, धीरे धीरे 20-22 दिन के अंदर वो एडिक्शन तुम्हारा खत्म होना शुरू हो जाएगा। कुछ दिन बाद तुम्हें रियलाइज होगा, अरे यार फोन पे मैंने इतना टाइम बर्बाद कर दिया, इतने में तो मैंने इतना चैप्टर, तुम्हें तुम्हारे दिमाग के अंदर वो पॉजिटिव जो सेंसेस आने शुरू हो जाएंगे। फिर तुम्हें कुछ दिन बाद रियलाइजेशन होगा, अरे यार 100 घंटे तो मैं फोन पे बर्बाद करता था। फिर तुम्हें अचानक से जब तुम उससे हटोगे तो तुम्हें वो ज्ञान की प्राप्ति होगी, ये चीज तो मेरा टाइम फिल कर रहा था। एंड देन ऑटोमेटिकली तुम्हें उस चीज के प्रति एक अजीब सी विरक्ति पैदा हो जाएगी, ठीक है। और ये बहुत आजमाई टेक्निक है, बहुत ज्यादा लोग इसको फॉलो करते हैं, 60-70% इसमें सबसे रेशियो होते हैं। बस उस समय कोई तुम्हारे सामने हो जो कहते नहीं तो नहीं। जब हम छोटे थे तो हम बहुत प्रिविलेज थे, हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर हमारे साथ रहते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो आपको इस टेक्निक को फॉलो करना चाहिए। लिख लिया। अगली चीज, टाइम मैनेजमेंट का अगला जो सब्जेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलोकेट क्वांटिटी नॉट टाइम, ठीक है। मात्रा को निर्धारित करो, समय को नहीं। जैसे जनरली होता है आई स्टडी सिक्स आवर, आज तुमने बोला अरे आज मेरे भाई ने 6 घंटा पढ़ लिया, आज 8 घंटा पढ़ा, आज 9 घंटा पढ़ा, क्या पढ़ा बाद में बात करेंगे, ठीक है, नहीं पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा। मैं तुमसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ क्यों हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होती है, क्यों हम 6 या 8 घंटा या 4 घंटा पढ़ रहे हैं उसके बाद भी हमारा आउटपुट नहीं आता। उसके पीछे मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, क्यों समझ के जवाब दे। मेरे घर में कारपेंटर लगा, ठीक है। अब 2 कारपेंटर है और मेरे पास 2 ऑप्शन उनको पे करने का, एक या तो मैं उससे कहूँ कि भैया एक कुर्सी तुम्हें बनानी है या एक मेज आज बनानी है, मैं तुम्हें 100 रुपए घंटे के हिसाब से पेमेंट करूंगा, और एक दूसरा कारपेंटर मैंने कहा मेरी मेज बना दो मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा। मेरी तुम मुझे सोच के प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ बताओ, मेरी मेज किसमें जल्दी बन जाएगी, सोच के बताओ। मैंने कहा भाई मैं तुम्हें 100 रुपए घंटा दूंगा, तुम काम करो, ये कुर्सी या मेज तुम्हें बनानी है। दूसरे वाले से कहा भैया मेरी मेज बना के दे दो, मैं मेज बनाने का 200 रुपए दूंगा, किसमें मेरी मेज जल्दी बन जाएगी। तो वाला क्या करेगा, अरे दिन भर बैठ के बनाता रहेगा, थोड़ा सा काटेगा फिर आराम से लेके, क्यों उसकी दिहाड़ी बनती चली जा रही है, वो आराम से टाइम लेता जाएगा कुछ। और जो दूसरा वाला वो क्या कहेगा, बोले 2 घंटे भी बन सकती, 1.5 घंटे बना खत्म करो, 200 रुपए लो और दूसरे काम पे निकलो। दोनों के बीच में फर्क क्या था, दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा फर्क था वो ये था कि पहले ने समय निर्धारित किया और दूसरे ने मात्रा। ये हमारे और आपके साथ भी होता है, हम आराम से कुर्सी पर बैठ सकते हैं, आज 1 घंटे का टारगेट बना लिया, चलो भाई 1 घंटा आज हम पढ़ते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन 1 घंटे में थोड़ा देर पढ़े फिर गांव की पुरवाई याद आ गई, शहर की बातें याद आ गई, कॉलेज की बातें याद आ गई, 20 मिनट अरे यार पढ़ना फिर पता चला वापस होता है। लेकिन अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसका उल्टा कैसे होता है। अपने बोर्ड एग्जाम याद करो, तुम अपने बोर्ड एग्जाम याद करो, ठीक है। उस समय कोई तुमसे अगर आके दरवाजा भी खटखटा तो उन्हें इरिटेशन होती थी, अरे पढ़ने दो यार, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे पता नहीं चला कितना टाइम निकल गया। कोई कहता था अरे यार टीवी देख लो, घर में टीवी आवाज हो जाती थी, पहले तुम्हारे पैर थरथर भागते थे उसकी तरफ, अब कोई चला देता था तो तुम गुस्से के मारे सामान पटक के तार वार खींच देते थे, मेरा करियर खराब करके रख दोगे तुम लोग, हुआ कि नहीं हुआ है। अच्छा ऐसा भी नहीं था कि तुम्हारी मम्मी ने कुछ ऐसी चीज खिला पिला दी बोर्ड के समय तुम्हारा दिमाग चेंज हो गया, कोई चीज थी अंतर जानते क्या था, जो पूरे साल भर तुम टाइम एलोकेट कर रहे थे और एग्जाम के टाइम पे तुम क्वांटिटी एलोकेट कर रहे थे। क्या सोचते थे, यार अगर ये आज पूरा चैप्टर आज मेरा ये 10 पेज खत्म हो गया, 20 पेज, या भाई आज ये 100 पेज वाली किताब खत्म हो गई, बेटा कल 30 नंबर तो तय है,
या पास हो जाऊंगा, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हेन वी एलोकेट टाइम व्हेन वी एलोकेट क्वांटिटी। हमारे में से ज्यादातर स्टूडेंट को ये नहीं पता होता, बहुत कॉमन फेनोमिनन होता है यार, भाई तेरा 8 घंटे रोज पढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं 14 घंटे से नीचे पढ़ता ही नहीं, फ्री नहीं निकला उनका। रीजन कि वो वही काम कर रहे थे जो उन्हें नहीं करना चाहिए, वो घंटे तो जोड़ रहे थे लेकिन मेरे हर घंटे का प्रोडक्टिविटी क्या है, नतीजा जानते क्या होता है? वो जो बढ़ई था जो 100 रुपये ले रहा था वो पूरे दिन भर में भी कुर्सी नहीं बना पाएगा, थोड़ी देर बनाएगा, फिर टहल के आएगा, फिर तमाकू पीटेगा, फिर थोड़ी देर घर चला जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा? प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई। जब तुम अपने आप को लीवरेज देते हो, खुली छूट देते हो, जानते हो क्या होता है? 15 मिनट बाद ऐसे ऊपर की तरफ बन जाता है, फिर कुर्सी पे पीछे की तरफ जाके आईएएस बनने के बाद कैसा दिखेगा, ठीक है, गाड़ी कैसी होगी, भाई किसको किसको नापेगा, अरे फिर याद आ जाता है यार वो उसने मेरी कॉलर पकड़ी थी उसकी तो मैं हाथ तोड़ दूंगा, ठीक है। सारी चीजें जब आपके सामने आता है, आईएएस बन जाऊंगा तो फलाने के सामने जाऊंगा तो क्या होगा, फिर और गहराई में चले जाते, आधा एक घंटे बाद याद आता अरे यार मैं तो पढ़ रहा था, होता है कि नहीं होता, मुझे ईमानदारी से बता, ठीक है। रीजन, आज से एक सिंपल सा काम करो, क्वांटिटी एलोकेट करना शुरू करो। जैसे टाइमर सबके पास होगा, फोन वाला टाइमर नहीं, एक 30 या 40 रुपए का टाइमर आता है, ठीक है, फोन में तो बड़े अलीब वगैरह चीजें होती है, ठीक है, फोन वाला टाइमर। सिंपली एक काम कर दो, एलोकेट रीजनेबल टाइम, 45 मिनट के सेक्टर में बैठा हूँ, मुझे विपिन चंद्रा पढ़ रहा हूँ, स्पेक्ट्रम पढ़ रहा हूँ, बंडवाल पढ़ रहा हूँ, कुछ भी गूगल पढ़ रहा हूँ, क्लास के नोट पढ़ रहा हूँ, मुझे इस 1 घंटे या 45 मिनट के अंदर मुझे ये 10 पेज खत्म कर देना, खत्म कर देना। तुम अपने अंदर सफोकेशन महसूस करोगे, एक अजीब चीज चेंज महसूस करोगे, और वहां पर तुम जो है अब क्वांटिटी मेजर करना शुरू कर दोगे। तुम वही फीलिंग करोगे जो बोर्ड के एग्जाम में कर रहे, क्योंकि वहां पर तुम क्या कर रहे थे, तुम यही कहते थे ना यार सुबह तक ये बुक खत्म करनी, हुआ था कि नहीं हुआ था यार, ये 500 की 500 यूनिट पढ़ के जाना है, सुबह तक 5 बजे तक जगना पड़े मैं खत्म करूंगा। पैर याद होगा जब जैसे 3 बजते थे रात के, पैर ऐसे ऊपर नीचे होने शुरू हो जाते थे, अरे 2 घंटा बचा है, पीछे पलटते थे, अरे अभी 2 चैप्टर बचे हुए हैं, और जल्दी होता था, फिर उठते थे, नीचे पानी मारते थे, फिर बैठ जाते थे 1 मिनट रेस्ट में। और वैसे पूरे साल में आधा घंटा रजाई के अंदर बैठे पड़े, फिर थोड़ा और लंबे हुए, पता नहीं चला पैर कहाँ सर कहाँ, थर थर की आवाजें आ रही है, किताब उधर पड़ी है, भाई सो रहे, बिकॉज ये पूरे साल चलता, वो आज से तुम्हारी छुट्टी थोड़े ना है, किसी ने तुम्हें बताया थोड़े ना, तुम्हें यही तो कहा गया कि पहले ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे थे, भाई इसका एग्जाम दोगे, तुम्हारा लिफाफा तो खाली फेल हुआ ना, अंदर का मजमून तो सेम है, तुम भी तो यही सोच रहे हो कि वहां रात भर पढ़ के जो है वन नाइट फाइट करके हम यार ले आए थे मार्क, यहाँ आईएएस में भी तो 58% पे टॉपर निकलता है, वहां भी तो 58% आए थे मेरे, यूपीएससी में 58% पे टॉपर निकल आता है, बोले यार हो जाएगा, अभी कौन सी टेंशन पड़ी है, 2020 का एग्जाम है, अभी एग्जाम सर को सुनने की जरूरत नहीं है। फिर मेरे पास मैसेज आते हैं फरवरी में, सर कोई ऐसी किताब का नाम बता दीजिए प्री निकल जाए, सबसे ज्यादा मैं झेलता हूँ, सर कोई 45 दिन में ऐसी तैयारी हो सकती है क्या, अंत में मन यही करता है हाँ बोल दे लिख दे, हाँ टैबलेट है मेरे पास, ठीक है मैं खोजने जा रहा हूँ टैबलेट, खिला दूंगा आईएएस निकल जाएगा तुम्हारा, इस तरह के प्रश्न मेरे पास आते हैं। फिर एक आप तो ऐसे बोले टीचर बनते हो बहुत बड़े, एक किताब नहीं बता पा रहे जिससे हम आईएएस बन गया, ऐसे से भी मेरे पास मैसेज आते हैं, क्या जवाब दूं उनको, बिकॉज द डे वन आज से एक नियम याद कर लो कि आज से आपको क्वांटिटी क्लियर करनी, 45-45 मिनट के सेक्शन बना, ज्यादा बढ़ेंगे, एक चार्ट बना रहा हूँ इसको फॉलो करके देखना, अगले 21 डेज आप इसको जो है ब्लाइंडली फॉलो करिए। हेलो हाँ तो जरूर डेट क्वांटिटी एंड टाइम टेबल, ठीक है, आप अपना जितना समय आपने लिया, आज का दिन ठीक है, दिनांक लिख लो, क्वांटिटी आपने क्या पहला इस सेटिंग में आपने कितना 5 पेज 6 पेज 7 पेज, ठीक है, आपका WPM जैसा है वर्ड पर मिनट जितना है आपने क्वांटिटी बना ली। टाइम टेकन, इस क्वांटिटी को पूरा करने में अब समय आपने कितना लिया, ठीक है, समय आपने कितना लिया आपका, ये कई चीजें भी जुड़ेंगी ना, आप कितनी तेज पढ़ते हैं और कितना तेज समझते हैं, ज्यादातर ये माना गया कि जो बहुत स्लो लर्नर होते हैं वो बहुत स्लो अंडरस्टैंडिंग वाले भी होते हैं, तो बस ये मत सोचना कि स्लो पढ़ने से ज्यादा समझ में आता है, ये उल्टा है, दिमाग क्या करेगा भटकना शुरू कर देगा। तो आप अपना रीजनेबल, मैंने बड़ी उसकी रीजनेबल, मैं ये नहीं करूँगा अगर मैं 10 पेज पढ़ाऊँ तो 10 आप भी अपने हिसाब से आप 5 का टारगेट बनाइए वो जो आपसे अचीव हो जाए, और वहां पर बात करिए कितना आपने टाइम दिया इस क्वांटिटी को पूरा करने के, आपने कितना टाइम, मैं 1 घंटे की सेटिंग में बैठ रहा हूँ
सिंपल सा लिख लो, एक घंटे की सिटिंग में बैठ रहा हूँ, मैंने अभी 8 पेज जो है इस किताब के पढ़ने का सोचा है, ठीक है, आज इस तारीख को, अपना डेट या टाइम जो भी आप इसको सेट करना चाहो, और आपने क्या किया, यस अचीव और नॉट अचीव। अब मान लीजिए आपने 10 का सोचा है, आप 8 पहुंच पाए, अब आपके मन में एक होगा, नहीं यार मैं थोड़ा सा तेज और पढ़ता तो मैं 2 आराम से पहुंच सकता था, या हो सकता है कि अगर मैं 10 मिनट के लिए ब्रेक नहीं लेता तो मैं ये क्या करता, पूरा कर लेता, आपका क्या होगा, यहाँ आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट,